बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बीफ कढ़ाई। स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है और इसमें 2 टेबल स्पून घी ऐड किया है और इसको मैं अच्छी तरह अब गरम करूँगी। अभी अच्छी तरह गरम हो गया है। अब इसमें बीफ मैंने पहले बॉईल करके रखा हुआ है वो ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और गोश्त के साथ इसको अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखिए, ऑयल और लहसुन अदरक के साथ हमने अच्छी तरह बीफ को भून लिया है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। 4 से 5 टमाटर लिए हैं मैंने, उनको इस तरह कट कर लिया है। इसको अच्छी तरह गोश्त के साथ मिक्स करके हम भूनते जाएंगे। कढ़ाई जितनी हम भूनेंगे उतनी ही मज़ेदार बनती है। सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स करके हमें भूनना है। इसमें हसबे जायका नमक ऐड करेंगे। इसको हम अच्छी तरह पहले मिक्स करेंगे नमक को मसाले के साथ। अब हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। इसको भी अच्छी तरह हम मसाले के साथ मिक्स करेंगे ताकि ये भुनता जाए हमारा मसाला अच्छी तरह। देखिए, इस तरह हम इसको मिक्स करते रहेंगे और साथ साथ भूनते रहेंगे। अब मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी 1/2 टेबल स्पून। क्विक एंड इजी रेसिपी है ये कढ़ाई की। आपके यहाँ कभी मेहमान आ जाए, कोई गेस्ट, फटाफट आप बना सकते हैं ये रेसिपी। इसमें अब 1/2 कप दही इस्तेमाल करेंगे, वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे और भूनते जाएंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा कोई आप कभी घर में मेरी रेसिपी, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। अब इसमें शान मसाला ऐड करेंगे, कढ़ाई मसाला। और मसाला ऐड करने के बाद हमने 2 से 3 मिनट मसाले को गोश्त के साथ अच्छी तरह भूनना है। मैं इसको अच्छी तरह भूनती जाऊंगी। 2 से 3 हरी मिर्च ऐड करेंगे हम इसमें। अब इसमें मैं ज़ीरा और साबुत धनिया भुना हुआ कुटा हुआ ऐड करूँगी 1/2 टेबल स्पून। अब इसमें मैं गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून ऐड करूँगी ऊपर से और इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। देखिए, हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें कोयले का दम लगाएंगे। चटपटी और बहुत ही टेस्टी। क्या, हम इसमें कोयले का दम लगाएंगे। बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप सबको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं मुझे कमेंट्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।